हाँ दोस्तों, आपका मैजी में स्वागत है। जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के पार्ट थ्री वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम जो वर्कशीट नंबर टू के कुछ क्वेश्चंस बच गए थे उनको देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वर्कशीट टू के क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 7 इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, द न्यू नंबर बिकम्स 1/5। फाइंड द रैशनल नंबर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 7 अधिक है। दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर में से 3 माइनस किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाए तो न्यू फ्रैक्शन, न्यू जो रैशनल नंबर बन जाता है वो 1/5 हो जाता है। तो ओरिजिनल में शुरू में वो फ्रैक्शन वो रैशनल नंबर क्या था ये हमें फाइंड करना है। अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 7 अधिक है। न्यूमरेटर सपोज कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर भी 7x, देन डिनोमिनेटर विल बी 7x+7। क्यों दिया हुआ है? जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 7 ग्रेटर है, मैंने बड़ा है। देन फ्रैक्शन विल बी, देन रैशनल नंबर विल बी, देखिए न्यूमरेटर है तो x हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कह रहा है कि जो हमारा रैशनल नंबर है उसमें 3 सब्ट्रैक्ट कर दें न्यूमरेटर में, जिसका x+7 इसमें करा, इसमें 3 सब्ट्रैक्ट कर दें न्यूमरेटर में और 2 ऐड कर दें डिनोमिनेटर में, तो ये जो हमारा रैशनल नंबर है वो कितना हो जाता है 1/5। तो इनको क्रॉस प्रोडक्ट करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। भाई क्रॉस पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा x-3/x+9=1/5, मतलब ये 7+2 कितना हो गया 9। अब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इस क्या हो जाएगा 5x-3=1×x+9। ओपन करेंगे ना 5x अब देखिए क्या 5×3=15×x+9। x वाले को इधर ले आते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्या होगा 5x-x=9+15 कितना हो जाएगा, ये ऐड करेंगे हो जाएगा 24 और इसमें माइनस कब हो जाएगा मीन्स 4x=24 इट इज 6। अब देखिए x 6 आ गए, ठीक है। अब हमें रैशनल नंबर क्या हमारा ये हमने सपोज किया था, सो आंसर हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर इक्वल टू x की वैल्यू पुट करें तो क्या होगा 6+6+7 डेट इज 6/13, ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग होते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10, ए मोटर बोट गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर डिस्टेंस इन फोर आवर्स व्हाइल इट्स कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स। If speed of stream is 3 km per hour, find the speed of motor boat in still water. देखिए क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मोटर बोट है जो अप डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम का मतलब क्या, तो पहले ये जानिए। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिधर पानी का बहाव हो, जिस डायरेक्शन में पानी का बहाव हो है ना, उसी डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो कहते हैं डाउन स्ट्रीम, और पानी के बहाव के विपरीत दिशा में चलते हैं, उल्टी दिशा में चलते हैं तो उसको कहेंगे अप स्ट्रीम, है ना। जितना पानी बह रहा नदी बह रहा उधर हम भी अगर तैर रहे हैं या बोट चला रहे हैं या स्ट्रीम चला रहे हैं कुछ भी, तो कहेंगे डाउन स्ट्रीम, उसके उल्टा आएंगे तो अप स्ट्रीम।
तो देखिए कहा यह रहा कि जो एक बोट है, मोटर बोट है, वह डाउन स्ट्रीम जाता है कोई डिस्टेंस, कुछ भी, या 10 किलोमीटर, 30 कुछ भी किलोमीटर, फिक्स किलोमीटर जाता है तो 4 आवर्स। लेकिन जब अपवर्ड आता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है ना, अपवर्ड जाने में टाइम अधिक लगता है, तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में उसको 5 आवर लगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, और इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम मतलब वाटर का, जो वाटर है नदी का बहाव है उसका स्पीड दिया हुआ 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टील वाटर, देखिए स्टील माने क्या होता है, स्टील वाटर मतलब रुका हुआ पानी, कि रुके हुए पानी में स्टीमर का या मोटर बोट का, जो मोटर बोट है उसकी स्पीड क्या होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं, लेट क्वेश्चन नंबर 10, लेट स्पीड ऑफ मोटर बोट बोट बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप जब जैसे ये है, ये वाले नदी है और इधर पानी चल रहा है, तो अगर इधर डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो इसकी स्पीड कितना x किलोमीटर पर आवर। अब होता क्या, ये किसका है, ये मोटर बोट की स्पीड है, लेकिन जब इसके साथ पानी के साथ जब मोटर बोट इसमें जब चलेगा, ये स्टील वाटर में, इन स्टील वाटर, स्टील वाटर मतलब रुके हुए पानी में, लेकिन जब ये डाउनवर्ड जाएगा तो क्या है, स्पीड ऑफ मोटर बोट बोट इन डाउनवर्ड इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा। अब डाउन स्ट्रीम जाएगी तो जब पता है कि जो हमारा वाटर है, जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम की स्पीड क्या 3 किलोमीटर, तो जब 3 किलोमीटर से ये चल रहा है वाटर और एक्स इसका, तो क्या होगा, दोनों जब साथ जाएंगे, सेम डायरेक्शन जाएंगे, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा एक्स प्लस 3 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड हो जाएगी, मोटर बोट की, डाउनवर्ड स्ट्रीम जब जाएगा उसके साथ साथ। लेकिन वही चीज अप स्ट्रीम के लिए, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अप स्ट्रीम मतलब जब ऊपर की तरफ जाएगी, जो ऊपर तरफ जाएगी क्या होगा, इसके स्पीड में से इसके स्पीड को माइनस कर देंगे, मतलब x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ कभी भी आप 3 माइनस x नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जो ये वाटर का ये स्पीड है उसके स्पीड से मोटर बोट का स्पीड हमेशा अधिक होगा, क्योंकि अगर उससे कम होगा तो पानी के बहाव में अपवर्ड जा ही नहीं पाएगा, उल्टा ही धार में वो बह जाएगा, उसके साथ साथ नदी के स्ट्रीम के साथ साथ बह जाएगा। ठीक है, अब जो कह रहा कि मान लें यहाँ से जैसे यहाँ से यहाँ तक आया डाउनवर्ड स्ट्रीम में, फिर यहाँ से यहाँ ही गया अपवर्ड स्ट्रीम में, है ना, ये पानी का फ्लो है, इधर वाटर का फ्लो, तो क्या होगा, डिस्टेंस कवर इन, डिस्टेंस कवर्ड इन डाउन स्ट्रीम इन कितना 4 आवर्स। 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस जाएगा, हम जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड की हमारी है डाउन स्ट्रीम, देखिए x प्लस 3 है, क्या होगा स्पीड कितना x प्लस 3, और टाइम कितना लिया 4 आवर्स, क्या होगा इंटू 4। इसी तरह द डिस्टेंस कवर्ड इन अपवर्ड अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स। अब देखिए यहां भी वो चीज स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना x माइनस
थ्री इंटू टाइम, तो टाइम कितना 5 आ गया। और एक चीज हमें दिया हुआ है कि जितना दूर गई है मतलब डाउन स्ट्रीम में आई है उतना दूर ही अप स्ट्रीम, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है सेम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन से कि ये और ये डिस्टेंस दोनों क्या होंगे सेम होंगे, इक्वल होंगे, मतलब x प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू x माइनस 3 इंटू 5। अब देखो ओपन करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या होगी 4x प्लस 12 इक्वल टू 5x माइनस 15। अब देखो वेरिएबल को इस साइड लाएंगे कितना हो जाएगा 4x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा माइनस x इक्वल टू माइनस 29, तो x इक्वल टू 29 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हमें निकालना क्या था, यही निकालना था क्या स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टील वाटर x की वैल्यू फाइंड करनी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज 300 किलोमीटर, टू कार्स स्टार्ट स्टीमोसली फ्रॉम दीज टू टाउन्स एंड मूव टू वर्ड ईच अदर, स्पीड ऑफ वन कार इज मोर देन द अदर बाई 7 किलोमीटर पर आवर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स आफ्टर 2 आवर्स इज 34 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ कार। तो क्या दो एक देखिए इसको समझा रहे, पहले क्वेश्चन को समझिए फिर इसको सॉल्व करें कि दो टाउन है, मान एक टाउन ए है और दूसरा टाउन यहाँ बी है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह 300 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद क्या होते हैं कि दो कार एक ए से चलता है और एक बी से चलता है सिमल्टेनियसली, मतलब सेम समय पर, मतलब एक कार इधर से चला और एक कार इधर से, मतलब एक कार इधर साइड में चला बी कार इधर चला, तो क्या होता है कि स्पीड ऑफ वन कार इज मोर देन अदर सेम। तो पहले मान ली इसका स्पीड जो है फर्स्ट लेट 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 द स्पीड ऑफ कार ए बी एक्स किलोमीटर पर आवर, मान लो जो इधर से कार चले उसकी स्पीड कितनी है एक्स किलोमीटर, देता है स्पीड ऑफ कार बी विल बी एक्स प्लस 7 किलोमीटर, क्योंकि 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक। आप कह रहे हैं कि ये जो इतना, इसके बाद द इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स कार्स 2 आवर्स लेटर, मतलब दो 2 आवर ये भी चला 2 आवर, तो 2 आवर में डिस्टेंस ये एक कितना कवर करेगा पता, डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए। अब पता आपको डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता, स्पीड कितना एक्स है और टाइम कितना 2, तो मतलब कि 2 घंटे बाद ये कार यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुकी, मतलब यहाँ 2x डिस्टेंस इसने कवर कर दी, ठीक है ए वाला कार। इसी तरह डिस्टेंस कवर कवर माने तय किया कार बी, मतलब बी का जो इधर से है वो कितना जाएगी स्पीड इतनी है x प्लस 7 इंटू टाइम 2 आवर्स दोनों सेम 2 आवर्स, ये भी मान ले 2 आवर में मतलब ये यहाँ पहुँची कितना 2x प्लस 7 किलोमीटर यहाँ। अब कह रहा है कि इसके बाद 2 आवर्स में इनके डिस्टेंस बिटवीन बोथ कार 34 है, मतलब कि यहाँ के बाद यहाँ यहाँ ये सी और डी पर पहुँचा, इसके बाद दोनों कार के बीच में 34 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाता है। Then find the speed of cars. तो हम इसके बाद इन कारों का स्पीड निकालना, मतलब कार ए और कार बी का स्पीड फाइंड करना है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि जो देखिए 2x + 34 + 2 ब्रैकेट में x प्लस सब, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना 300, मतलब ये इन तीनों का सम इस 300 के इक्वल होगा ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस सेम है उतना, ये टोटल और ये टोटल गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, 2x + 34 + 2 ब्रैकेट में x + 7 = 300 हो गए। तो आप देखिए ओपन कर लेते हैं क्या होगा, 2x + 34 + 2x + 14 = 300। अब x वाले को ऐड करें, 2x + 2x 4x + इनको ऐड करें, 48 = 300। कितना का 4x = 300 - 48, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा 252, 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा बाई 4, ये इसको डिवाइड करेंगे 6 3, मतलब कितना आएगा 63 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो एक कार है इसकी स्पीड कितनी आएगी 63 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की कार कितनी होगी इसमें 70, मतलब 63 + 7 आएगी। तो लिख सकते हैं स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू 63 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू 63 + 7 डेट इज 70 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर सिर्फ बुक के में सिर्फ एक ही का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ उसने पूछा है कि स्पीड ऑफ कार्स, तो हमें दोनों की स्पीड निकालनी चाहिए, है ना, इस तरह से ये दोनों इसके आंसर होंगे। ठीक है, इस बार क्वेश्चन नंबर 13 है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द ब्रेथ बाय 18 सेंटीमीटर, इफ बोथ लेंथ एंड ब्रेथ इंक्रीज आर इंक्रीज बाय 6 सेंटीमीटर देन एरिया इंक्रीज बाय 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, क्या करा है, फर्स्ट कंडीशन देखिए, कोई एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ उसके ब्रेथ से 80 सेंटीमीटर अधिक है, फिर अगर एरिया उसका लेंथ और ब्रेथ दोनों को 6 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, एरिया भी बढ़ जाएगा, तो करा कि उसका एरिया 168 बढ़ जाता है, मतलब दोनों का ये एरिया का, मतलब न्यू एरिया और ओल्ड एरिया का डिफरेंस दिया हुआ है, इतना बढ़ जाता है, इनका इंक्रीज हो जाता है ना, तो फिर हमें लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड कर दी। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया कि लेंथ जो है ब्रेथ का ब्रेथ से 18 अधिक है, मतलब यहाँ ब्रेथ सपोज करेंगे, लेंथ नहीं ब्रेथ भी, लेंथ भी सपोज करते हैं, फिर लेकिन वहाँ माइनस करना पड़ेगा। आइए देखिए क्या क्वेश्चन नंबर थर्टीन, लेट ब्रेथ बी एक्स सेंटीमीटर देन लेंथ विल बी x + 18 सेंटीमीटर, नाउ एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, आपको पता है क्या होगा x + 18। अब इसके बाद न्यू लेंथ या ब्रिथ, न्यू ब्रिथ क्या हो जाएगा x + 6, क्योंकि लेंथ और ब्रिथ दोनों में 6 का इंक्रीजमेंट कर दिया, दोनों को 6 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जा रहा है, तो न्यू लेंथ इक्वल टू x + 18 + 6 = x + 24 सेंटीमीटर। अब नाउ न्यू एरिया इक्वल टू x + 6 (x + 24). अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया इक्वल टू 168 सेंटीमीटर। अब देखिए न्यू एरिया ये है x + 6 and x + 24 और माइनस
x ब्रैकेट में x प्लस 18 इक्वल टू 168। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इतना होगा x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 6x प्लस 24 इंटू 6 माइनस, अब देखिए इस माइनस को ब्रैकेट ओपन करें साइन चेंज होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स 168। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 24x 6x और ये इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, क्या 30x माइनस 18 एक्स प्लस, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 इक्वल टू 168। तो ट्रांसफर कर देंगे, इसको पहले माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 12x इक्वल टू 168 माइनस 154। देखिए कितना आ जाएगा x इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24 बाई 12, दैट इज x इक्वल टू 2। कितने x वैल्यू कितने आ गए, 2 आ गए। मैंने निकालना क्या, लेंथ और ब्रेथ निकालना है, तो ब्रेथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ब्रेथ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड लेंथ इक्वल टू एक्स प्लस 18 दैट इज 2 प्लस 18 दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो जो हमारा ओरिजिनल रेक्टेंगल है उसका लेंथ, उसका ब्रेथ होगा 2 सेंटीमीटर और लेंथ हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 30, द रेशियो ऑफ दीज इंटीजर इज 2:5, फाइंड द इंटीजर्स। तो कह रहा है कि दो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ 30, दो इंटीजर का रेशियो दिया क्या 2:5, तो दो रेशियो दिया तो उनको वही जैसे 2:5 है तो वही एक्स लगा के हम सपोज कर देंगे। लेट टू इंटीजर बी क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट टू इंटीजर बी 2x एंड 5x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि इनका डिफरेंस कितना है 30, मतलब कि 5x माइनस 2x इक्वल टू 30, तो क्या होगा 3x इक्वल टू 30, इट इज x इक्वल टू 30/3 दैट इज 10। आगे 10 तो फाइंड द इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होंगे, इंटीजर्स क्या क्या होंगे 2 इंटू दैट इज 20 एंड 5x इक्वल टू 5 इंटू 10 दैट इज 50। यही दोनों, इसके ये दो इंटीजर होंगे और मतलब 20 और 50। तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, अ मनी बॉक्स कंटेन्स 1 रुपीज एंड 2 रुपीज क्वाइंस इन द रेशियो 5:6, इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द क्वाइंस इन द मनी बॉक्स इज 85 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ 2 रुपीज क्वाइंस। देखिए क्या एक बॉक्स है, मनी बॉक्स है ना, गुल्लक है, जिसमें कि 2 रुपीज और 1 रुपीज के सिक्के हैं और जिनका रेशियो क्या है 5:6 है, ठीक है, जब भी रेशियो रहेगा तो एक्स लगा के वही नंबर सपोज कर देंगे। इफ और जो टोटल वैल्यू है मतलब 2 रुपये और 1 रुपये सभी को मिला दिया जाए तो उनकी वैल्यू कितना, वो कितना रुपया है 85 रुपीज है, तो हमें निकालना है कि 2 रुपये के कितने सिक्के हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लेट नंबर ऑफ 1 रुपी एंड 2 रुपी क्वाइंस बी 5x एंड 6x। ये हमने नंबर सपोज कर लिया कि 1 रुपीज का जो है 5x है और 2 रुपीज का 6x। तो देखिए ये तो नंबर्स है, इनकी वैल्यू भी निकाल देंगे, वैल्यू आप
1 रुपीज का कॉइन 1 × 5, मतलब जितने सिक्के होंगे उतना ही इसका वैल्यू होगा, मतलब एक सिक्का 1 रुपये का ही होगा। दूसरा द वैल्यू ऑफ 2 रुपीज कॉइन कितना होगा इसके, देखिए क्या होगा, एक सिक्का 2 रुपये की वैल्यू देगा, तो इसलिए 2 का है इसे 2 से 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ये इनकी वैल्यूज है। और ये एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये कहा गया कि टोटल सिक्का मिलाकर कितना है 85 रुपीज़ है, मतलब इन दोनों को ऐड कर दें तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 85 रुपीज़ के इक्वल होगी। तो क्या होगा 5x + 12x = 85, ऐड कर दें 17x = 85, x = 85/17, x = 5, तो x की वैल्यू कितने आ गए 5 आ गए। हमें निकालना है क्या, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइंस, क्या होगा नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइंस इक्वल टू 6x, इट इज 6 × 5, इट इज 30, मतलब कि जो 2 रुपीज के कॉइंस है उनकी संख्या कितनी है 30। इसका क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 7 की से मिलता जुलता है, क्या ए पर्स हैज ओनली 1 रुपीज एंड 2 रुपीज कॉइंस इन इट, द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइंस इज 1/3 द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइंस, इफ पर्स हैज 115 रुपीज फाइंड द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइंस। देखिए यहाँ क्या करा कि पर्स है उसमें 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के, जिसमें ये बता रहा है, ये कंडीशन बता रहा है कि जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 1 रुपीज सिक्के के 1/3 है, और दोनों 1 रुपीज और 2 रुपीज दोनों के कुल जो प्राइस है मनी है दोनों मिलाकर वो कितना 115 रुपीज़ है। तो 2 रुपये के कितने सिक्के हैं ये हमें निकालना है, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइंस निकालना। तो देखिए यहाँ कि 1 रुपीज का जो कॉइंस है उसका 1/3 है 2 रुपीज का कॉइन, तो यहाँ 1 रुपीज का कॉइंस मान लेंगे, क्या लेट नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन बी एक्स, देन नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन विल बी एक्स बाय 3, तो वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन, अच्छा 1 रुपी कॉइन का वैल्यू उतना ही होगा जितना उनकी संख्या, और वैल्यू माने मूल्य है ना, वैल्यू ऑफ 2 रुपीज कॉइन इक्वल टू एक्स बाय 3 × 2, डेट इज 2/3। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा कि इनकी जो टोटल वैल्यू है ये और ये मिलाकर कितना है 115, इट इज एक्स प्लस 2/3, एक्स भी होगा, एक्स इक्वल टू 115। अब क्योंकि एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या 3 हो जाएगा, मतलब 3x + 2x = 115, सो कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5x/3 = 115, तो x = 115 × 3/5, ये इधर जाएगा रिवर्स हो जाएगा, 1 + 2 = 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना 69, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 69। तो मैं निकाला नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इक्वल टू एक्स बाय 3, डेट इज 69/3, डेट इज 23, मतलब जो 2 रुपीज का कॉइन्स है वो कितने हैं 23। ठीक है, इसके बाद हम लोग ब्रेन टीचर के कुछ क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे।
ठीक है। ब्रेन टीजर का मैक्सिमम क्वेश्चन तो वो जैसे हमने वर्कशीट 1 और 2 में लगाया वैसे ही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे 11, 12 थोड़ा सा डिफरेंस है तो उनको हम लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 ब्रेन टीजर का, क्वेश्चन 11 है द डिवाइड 243 इंटू थ्री पार्ट्स सच डैट द हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट एंड 1/4 ऑफ द थर्ड पार्ट आर ऑल इक्वल। मतलब कि जो 243 को इस तरह से डिवाइड किया गया थ्री पार्ट में, जिस तरह कि फर्स्ट पार्ट का हाफ करें, सेकेंड पार्ट का 1/3 करें और थर्ड पार्ट का 1/4 कर दें, तो ये सभी आपस में इनकी संख्या जो आएगी वो बराबर हो जाती है, वो क्या होगी। तो हमें क्या करना है, तो हमें इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने हैं, ठीक है। मतलब क्या क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 11 आप बी टी क्या कि फर्स्ट पार्ट का हाफ सेकेंड पार्ट का 1/3 एंड थर्ड पार्ट का 1/4, ये आपस में इक्वल है, इनकी वैल्यू क्या आती है, इक्वल आती है ना। तो अब देखिए क्या हम इक्वल कुछ सपोज है, लेट एक्स क्या एक्स सपोज कर लिया, क्या सपोज किया कि इनकी वैल्यू क्या आती है, इसकी सब एक्स आती है। तो देखिए फर्स्ट और ये लेंगे क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट इक्वल टू क्या होगा, ये 2 यहाँ चला जाएगा मतलब 2x, इस तरह से सेकेंड पार्ट इक्वल टू 3x इक्वल टू थर्ड पार्ट इक्वल टू 4x। अब कहा कि तीनों पार्ट को अगर ऐड किया जाए तो कितना हो जाता है, 243 आता है तीन पार्ट्स। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट इक्वल टू 243। तो क्या मतलब कि ये 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 243, इनको ऐड कर लीजिए कितना का 9x इक्वल टू 243। एक्स इक्वल टू 243 डिवाइडेड बाई 9 टू जा 18 और 7 जा 27। तो मतलब x की वैल्यू कितने आ गए, 27 आ गए। तो हमें क्या तीनों पार्ट्स निकालने हैं, तो फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 2 × 27, सेकेंड पार्ट इक्वल टू 3 × 27 एंड थर्ड पार्ट इक्वल टू 4 × 27। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दे, बस आंसर तो 54 और ये हो जाएगा 81, 8 ये जीरो होगा है ना, यही इसके आंसर हो जाएंगे। अगर इनको आप ऐड करेंगे तो ये 243 के इक्वल होगा। इस बार क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं, ए पर्स हैज ओनली 2 रुपीज एंड 5 रुपीज कॉइंस, द सम ऑफ कॉइंस इज 36 एंड द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइंस इज 85 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइंस। देखिए क्या है, एक पर्स में 2 रुपये और 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, ठीक है, और दोनों का जो नंबर्स हैं, दोनों का कॉइन्स नंबर्स वो 36 है और वैल्यू भी दिया है, मतलब किसी एक का नंबर्स नहीं दिया। तो देखिए हम अगर एक कॉइन्स का, अगर 5 रुपीज़ कॉइन्स का मान लेते हैं तो 2 रुपीज़ का कॉइन्स का आ जाएगा यहाँ, और हमें 5 रुपीज़ का ही निकालना है ना। तो 5 रुपीज़ का ही सपोज कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज रुपी क्वाइन बी एक्स,
तो क्या होगा, द नंबर ऑफ 2 रुपी क्वाइन विल बी ना होगा ये 36, दोनों का टोटल है कितना होगा 36 माइनस एक्स, तो वैल्यू ऑफ 5 रुपीज क्वाइंस इक्वल टू 5x, वैल्यू ऑफ 2 रुपीज क्वाइन इक्वल टू 2 × 36 माइनस, ये 2 से क्यों, क्योंकि 2 रुपए का सिक्का और ये 5 है इसलिए 5 पीस है। अब कह रहा है कि दोनों का जो टोटल मनी है ये मिलाकर 84 रुपीज़ है, मतलब दोनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि 5x प्लस 2 ब्रैकेट में 36 माइनस एक्स इक्वल टू 84 रुपीज़ गिवेन है। अब देख सो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5x प्लस 72 ओपन कर रहे हैं, 2x इक्वल टू 84। अब देखिए ये माइनस 2x और ये 5x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आएगा 3x प्लस 72 इक्वल टू 84। क्या होगा 3x इक्वल टू 84 माइनस 72 इट इज 12, इट इज x इक्वल टू 12/3 डेट इज 4। तो x के वैल्यू कितने आ गए, 4 आ गए। तो हमें निकालना क्या, नंबर ऑफ 5 रुपीज क्वाइंस, तो आंसर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ 5 रुपी क्वाइन इक्वल टू 4, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद हार्ट का एक क्वेश्चन देते हैं, उसमें दो क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर इज 6 मोर देन द एवरेज ऑफ इट्स हाफ, इट्स 1/3 एंड इट्स 1/6, फाइंड द नंबर। देख क्वेश्चन ये करा, कोई भी नंबर है उसका हाफ, उसका 1/3, 1/3 और 1/6 किया जाए और उन इनका फिर क्या करें, एवरेज निकाला जाए, तो एवरेज से 6 मोर वो नंबर है। देखिए आपको समझा रहे कि मान लिया क्या, लेट नंबर बी एक्स, क्या नंबर क्या सपोज किया एक्स, तो क्या करा कि इस नंबर का 1/3 फिर सॉरी इस नंबर का हाफ पहले हाफ, फिर इस नंबर का 1/3, फिर इस नंबर का 1/6 किया जाए, तो किया जाए और इनका एवरेज आपको पता है एवरेज क्या होता, एवरेज मीन्स सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर है ना, क्या कि इसका अगर इन तीनों का अगर एवरेज निकालना हो तो क्या करेंगे कि तीनों को हम ऐड कर देंगे, मतलब एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री प्लस एक्स बाई सिक्स और तीन नंबर्स हैं तो 3 से डिवाइड कर दें, यही क्या होगा इसका एवरेज हो जाएगा। तो आइए पहले एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 3x प्लस 2x प्लस एक्स बाई थ्री, तो कितना होगा इसको ऐड करेंगे 5 6x बाई 6, तो 6 कैंसिल आउट, क्या होगा एक्स बाई। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये करा है जो गिवन नंबर है, जो नंबर्स है गिवन वो एवरेज से कितना अधिक है 6 अधिक, मतलब नंबर इक्वल टू एवरेज प्लस 6, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस है। तो क्या होगा कि नंबर्स कितना हमने सपोज किया था, x सपोज किया था x इक्वल टू x बाई 3 प्लस 6, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए इसे पर ट्रांसफर करेंगे, तो क्या होगा x माइनस x बाई 3 इक्वल टू 6, अब इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3x माइनस x इक्वल टू 6, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 2x इक्वल टू 2x बाई 3 इक्वल टू 6, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 6 × 3/3 जा
एक्स इक्वल टू क्या थ्री थ्री जा नाइन। तो वो नंबर्स क्या होगा, वो नंबर्स हमारा नाइन होगा, जिसका वन थर्ड वन हाफ और वन सिक्स क्या होंगे, इनका सम निकाला और सम निकाल कर अगर एवरेज निकाला है तो एवरेज से ये सिक्स होगा, ये इसका आंसर होगा। इस तरह से ये वीडियो ये चैप्टर फिनिश होता है। आप पूरा वीडियो को देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।